आज का व्लॉग जिस सोसाइटी के मुतालिक बनाने जा रहे हैं वहाँ की अमेनिटीज़ पे आपको मिल रही है सबसे पहले गैस, बिजली और पानी की फैसिलिटीज़ मौके पे मौजूद है, और उसके बाद आपको मिलने वाले हैं LDA अप्रूव्ड सोसाइटी। तो ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक लास्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद इसहाक और फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आपके इल्म में है कि रोज़ अपडेट देता है लीगल सोसाइटीज़ की, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ में आपके ओपन लैंड हो या घर हो या वो कमर्शियल बिल्डिंग्स या हाई राइज बिल्डिंग्स हो। आज हम जिस वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो व्लॉग बनाने जा रहे हैं, वो एक ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ में सबसे ज़्यादा एमिनिटीज़ में गैस आपको मौके पर मिल रही है। बहुत सारी सोसाइटीज़ लाहौर में जैसा कि कट रही हैं और उनके पेमेंट्स प्लान चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो एक एमेनिटीज़ हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, कि गैस की अपॉर्चुनिटी अभी तक वहाँ पे नहीं अवेल हो सकती, क्योंकि वहाँ पे अगर या तो आबादी नहीं होती, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में अगर 80-90% जब तक घर नहीं बन जाते तब तक LDA वहाँ पर गैस अप्रूव नहीं करता। लेकिन ये एक वाहिद सोसाइटी है कि जिसमें सोसाइटी के अभी फर्स्ट इंटरचेंज में, कि जिसमें अभी वहाँ पे पोजीशन नहीं है बल्कि फाइल्स चल रही हैं और फाइल्स के बाद डेवलपमेंट होनी है, तो उसी में ही आपको गैस की फैसिलिटीज़, उसमें पाइप्स पूरे डल चुके हैं और पूरा ऑपरेशनल है गैस की वहाँ पे सर्विसेज। और दूसरी बड़ी बात कि वो LDA अप्रूव्ड है। अब आप हैरान होंगे ये सोसाइटी है कहाँ पर, और ये सोसाइटी बिल्कुल है नहर पर, बड़लबे नहर, बहरिया टाउन से पहले और ठोकर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पर। ऑलमोस्ट 15 मिनट का सफ़र है ठोकर से, और बहरिया टाउन से ऑलमोस्ट 5 मिनट का सफ़र है। तो ये बड़ी मिड में और बिल्कुल नहर के ऊपर सोसाइटी बन रही है, जो है यूनियन डेवलपर्स। यूनियन डेवलपर्स, अगर हम इनके पास्ट की बात करें, तो इन्होंने इत्तेहाद टाउन जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने लॉन्चिंग भी की और उसके बाद लोगों को वहाँ पर पोजिशंस पर दी। इसी तरह अभी जो सोसाइटी यूनियन डेवलपर्स के नाम से, इन्होंने अपनी डेवलपमेंट के नाम से ही इसको लॉन्च किया है यूनियन डेवलपर के नाम से, तो उसमें आपको मौके पे गैस मिल रहा है, बिजली मिल रही है, LDA से अप्रूवल है, और इसमें जो कटिंग है, अगर कटिंग की बात करें तो वो 5 मरला और 7.5 मरला की। और इसमें अगर, क्योंकि आज से तकरीबन 1 साल पहले ये डील लॉन्च की थी इन्होंने, तो 1 साल पहले जो 5 मरला की कीमत थी वो 82 लाख रुपये की थी, और जो 1 मरला, जो 7.5 मरला की इसमें कटिंग थी वो ऑलमोस्ट जो थी वो 1,30,00,000 रुपए की थी, और जो पेमेंट प्लान के ऊपर था। लेकिन अभी 1 साल की पेमेंट्स इसकी जा चुकी हैं, और अगर आपको इसके ऊपर प्रॉफिट की बात करूं तो जो 82 लाख रुपए का इसका, 80 से 82 लाख रुपए का 5 मरला था, वो 90 से 95 लाख रुपए का हो गया, और 7.5 मरले का जो 1,30,00,000 का था, वो 1,40,00,000-1,50,00,000 पे जो है वो कॉल हो रही है, क्योंकि सारी अमेनिटीज, सारी ही चीज़ें आपको उसके जो है वो मौके पे मिल रही हैं। लेकिन अभी भी वक्त दूर नहीं है, अभी भी आप वहाँ पे अपना जो उसकी पेमेंट्स है, रिमेनिंग पेमेंट्स, वो पे करके और अगली जो क्वार्टरली पेमेंट्स है वो कर सकते हैं, और अभी भी आप अपना वहाँ पे 5 मरले या 7.5 मरले का घर बना सकते हैं। फिर अमेनिटीज़ में एक और जो चीज़ है वो डिस्कशन करना मैं लाजमी समझूंगा, कि सोसाइटीज़ की अपनी, जैसे DHA में या बहरिया में 5 मरले की कटिंग जो होती है उसमें घर बनाने के लिए आपको वेस्ट जो है वो ज़्यादा छोड़नी पड़ती है, जैसे कि टेरेस बनाना पड़ता है या साइड में गली छोड़नी पड़ती है। लेकिन LDA जो है, LDA में ये सारी चीज़ें नहीं होती। LDA में सिर्फ आप 5 मरले में 5 फुट आगे जगह छोड़नी है और 5 फुट पीछे आपको जगह छोड़नी है, ताकि आपकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपके 5 मरले में ही यूटिलाइज हो सके, आप अपने घर बना सकें, एक अच्छा और खूबसूरत घर बना सकें। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले यूनियन डेवलपर में बुकिंग, बहरिया में बुकिंग, DHA में बुकिंग, या पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटीज़ में बुकिंग या उसके इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, यही नंबर ईमो और व्हाट्सएप पे दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ईद की खुशियों में हमें भी याद रखिएगा। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, मिलते हैं ईद के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।